Hands in the air, most definitely. अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक आप सबको, मेरे तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, तमाम सुनने और देखने वालों को ईद मुबारक। और पहले भी आपको दिखाए थे ये जानवर अपने, ये है गुजू, ये इनका लास्ट डे है, मैंने कहा इनकी वीडियो बनाती हूँ। और ये है गाजी, हुजूर गाजी, बड़ा प्यारा पेयर था हमारा। और बच्चे बहुत उदास क्योंकि पूरे हफ्ते रौनक लगी रही, इन जानवरों की बहुत खिदमत की गई। और आज के दिन इनकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी है। अल्लाह ताला हम सब की, आपकी और मेरी, हम सब की कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमाए और हमारी नीयत का जो अजर सवाब है वो हम सबको अता करे। तो ये जनाब हमारे देखें हुजूर गाजी का यहाँ पे कसाई आए हुए हैं और उनको काम हो रहा है। तो ये ग्रुप आजकल ग्रुप्स में आते हैं कसाई, ये 4 अफराद आए थे और उन्होंने 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा गोश्त बना के हमें दे दिया और जगह भी सारी साफ़ कर दी क्योंकि मेड तो आज आई नहीं थी। बड़ा अच्छा काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है। होपफुली आप लोगों के घरों में भी अच्छा कुर्बानी होगी, अच्छी कुर्बानी होगी और अल्लाह ताला ने आप लोगों को भी इससे मुस्तफ़ीद किया होगा। बस उनका ख्याल रखिएगा कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं कर सके उनके घरों तक भी पहुंचाएं और जो घर में आ रहे हैं लेने के लिए उनको भी ज़रूर दें, जितना हो सकता है ज़रूर दीजिए। तो यही फिर हमारे जो तकवा है ये अल्लाह तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें इसके सुन्नत इब्राहिमी पे अगले साल भी अमल करने की तौफीक अता करें। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह थकावट तो बहुत हो गई क्योंकि खाना भी बनाना और फिर समेटना और फिर बांटना, इन्हीं कामों में। इस दौरान बच्चे भी तैयार हो गए और बच्चों ने अपनी कुछ तस्वीरें खींची, चलें आपके साथ शेयर करते हैं।